हमीरपुर में राजकीय अध्यापक संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिरकत की। बैठक में प्रदेश भर से आए हुए कार्यकारिणी सदस्यों ने हिस्सा लिया और आगामी दिनों के लिए ठोस रणनीति तैयार की। इस अवसर पर बैठक में प्रदेश सरकार से मांग की गई कि हिमाचल के लिए भी जल्द पे कमीशन बनाया जाए या फिर केंद्र के पे कमीशन के तहत कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। साथ ही अध्यापकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि चुनावों से पहले विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वायदों को जल्द पूरा किया जाए। बैठक में चर्चा की गई कि प्रदेश में 236 पद सृजित हैं जिन्हें जल्द भरा जाए। बैठक में कर्मचारियों की फाइनेंशियल मांगों को बार बार अनदेखा किए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया और रणनीति तैयार की गई कि सरकार बनने से पहले पार्टियां लुभाने वायदे करती हैं लेकिन बाद में पार्टियां भूल जाती हैं। बैठक में मांग ली गई कि विजन डॉक्यूमेंट में भी कर्मचारियों के फायदे के लिए लुभाने वायदे दिए गए थे और 4/9/14 के लिए भी कमेटी बनाकर समस्या हल करने की बात की गई थी, लेकिन बाद में अब एक साल बीतने पर भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार से बार बार वार्ता करने के बाद भी फाइनेंशियल मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अध्यापक वर्ग के साथ कर्मचारी वर्ग परेशानी के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द सरकार विजन डॉक्यूमेंट में लिखी गई बातों पर अमल करे, नहीं तो कर्मचारी वर्ग आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। आप देख रहे हैं कि कर्मचारियों की जितनी भी फाइनेंशियल डिमांड्स है उसको लेकर जो है सरकार ये की बात कहती है कि हमारा खजाना खाली है। जब खजाने की बात आती है, पैसे देने की बात आती है, तो उसके ऊपर किस तरह से हम एक रणनीति बनाएं ताकि हम सरकार से अपनी बातों को मनवा सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब सरकार के चुनाव आते हैं तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती है सत्ता में आने के लिए। एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है हर पार्टी के द्वारा, और जो विजन डॉक्यूमेंट है वो ऐसा घोषणा पत्र होता है, एक दस्तावेज, उसको माना जाता है कि वो जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसके ऊपर वो काम करेगी। लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो सरकार सत्ता में आई है, विजन डॉक्यूमेंट जब बना तो उसमें ये बात कही गई थी कर्मचारियों के लिए, बहुत से लुहावने जो है उसमें बातें कही गई थी। सत्ता में आते ही हम जो है 4/9/14 के लिए जो है एक सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाएंगे और 4/9/14 को मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई पावर स्क्रीनिंग कमेटी बनाएंगे और जो है उसमें जो है इसमें निर्णय लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 4/9/14 के ऊपर किस तरह से कर्मचारी जो है लामबंद हो रहे हैं। हिमाचल सरकार पल्ला झाड़ देती है कि हम जो है सेंटर के पंजाब के ऊपर पे कमीशन के लिए उसके अलाउंसेस के लिए बातें नहीं है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है या तो अपना पे कमीशन बनाएं, और अगर वो संभव नहीं है तो आप जो सेंटर का जो पे कमीशन है जो मैक्सिमम स्टेट है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, और भत्ते भी हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के भत्ते जो है आप यथाशीघ्र जारी करें, वो एक हमारी मांग रहेगी। उसके साथ साथ जो पे एनोमली है, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का जो इनिशियल स्टार्ट है, मैं कहना चाहूंगा उसको बंद कर दिया गया है, और एक तुगलकी फरमान जो है बड़े गलत तरीके से जो है जो वित्त सचिव ने जो इस तरह के आदेश किए हैं उसको सरकार वापस ले, क्योंकि हर कैटेगरी को डिफरेंशिएट करने के लिए इनिशियल स्टार्ट की बात होती है। एक मांग, एक बात जो है उस वक्त जो है मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट थे प्रेम कुमार धूमल जी, कैंपेन के टाइम उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी और बेनिफिट देंगे, उसके ऊपर भी सरकार गौर करे। और उसके साथ साथ जो अभी बात आ रही है कि पीजीटी को प्रवक्ता बनाने की बात अभी मंच पर से मुख्यमंत्री ने कही है, मुझे लगता है कि बहुत समय हो गया इसको, इस नोटिफिकेशन को जारी करने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी इस नोटिफिकेशन को करें, सबकी निगाहें उनकी तरफ है। और वाइस प्रिंसिपल की पोस्टों की जो उन्होंने बात की है कि नए पद सृजित किए जाएंगे, तो नए पद का मतलब है कि आप विद फाइनेंशियल पावर नए पद सृजित करें, उन पदों को सृजित करें, साथ ही साथ 236 पोस्टें जो हेडमास्टर की पहले से वो सेंक्शन है उसको भी बहाल किया जाए, ये हमारा मानना है। दूसरी बात अभी आप देख रहे हैं एक बड़ा ही एक चर्चा का विषय है, और एक हमारी जो एसोसिएशन बहुत सारी